बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी नेम द वर्टिसेस ऑफ ए पेंटागन यूजिंग एनी पेयर ऑफ द लेटर्स ओ पी क्यू आर एस टी यू। 7 लेटर्स हैं और वर्टिस ऑफ पेंटागन हमारे साथ 5 होते हैं, तो 7 लेटर्स हैं और हम 5 एट ए टाइम लेते हैं। तो हमारे साथ ये परम्यूटेशन है क्योंकि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, कम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं होती। तो 7 टोटल 7 है और 5 हम एट ए टाइम लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा। 7 6 4 42 आ जाएगा और 5 4 जार 20 20 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे साथ 60 आता है। तो 0 2 6 जार 12 6 4 जार 24 25 2520। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, हाउ मेनी टू डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इससे हम कितनी टू डिजिट नंबर ऑड नंबर बना सकते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। तो टू डिजिट हमारे साथ दो नंबर दो हिस्सों के होते हैं, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। तो पहले पोजीशन पे हमने आठ रखना है क्योंकि आठ नंबर बनाना है। तो पहला पोजीशन पे या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा और या 7 आएगा। तो फोर वेज से हम पहला रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं या 3, 2 नहीं रह सकते, इवन आएगा। हमने आठ नंबर बनाना है, 4 इवन है 6 इवन है, तो 1 3 5 और 7, ठीक है। If repeated digits are allowed, repetition allowed है, और सेकंड पोजीशन पे हम एनी नंबर रख सकते हैं। तो टोटल हमारे साथ कितने 7 है, तो 7 बेस से हम सेकंड डिजिट रख सकते हैं। तो 4 7 जार 28, तो 28 हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8। इफ 3 एंड 7 मस्ट बी टुगेदर, तीन ऑप्शन हम रख सकते हैं। तो हमारे साथ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन 3 और 7 एक जगह हम रखते हैं, तो 5 बन गई। तो 5 फैक्टोरियल से वैसे हम इसको रख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल हमारे साथ है 5 4 3 2 1 5 4 जार 20 23 जार 60 62 जार 120। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये n प्लस 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं n प्लस 2 इनटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, इधर ये मेरे साथ n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल अपनी जगह पे आ गया, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इधर मेरे साथ n ये कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 2 डिवाइड बाय n माइनस 1 रह जाएगा। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है, ए कमिटी ऑफ पुअर पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल एंड 20 बॉयज इन ए क्लास। कमिटी कितने बंदों का है, 8 परसन 4 परसन का है, बॉयज कितने हैं 12 है,
गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? 8 है। इसमें चार बंदों का कमिटी सेलेक्ट करना है, 12 बॉयज से और 8 गर्ल्स से। लेकिन इसमें एट लीस्ट वन बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, एट लीस्ट वन बॉय होगा, एक बॉय कम से कम होगा। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें कितने बनते हैं? 12 से कम से कम एक बॉय होना चाहिए, 12 सी वन मल्टीप्लाई बाई, जब एक बॉय हो तो 3 गर्ल्स होने चाहिए, तो गर्ल्स 8 से 3 सेलेक्ट करने हैं, जो 12 सी वन 8 सी 3 प्लस, अब कम से कम एक है तो 2 भी हो सकते हैं, तो 12 सी 2 इंटू 8 सी 2 टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 3 भी हो सकते हैं क्योंकि कम से कम एक होना चाहिए, तो 12 सी 3 इंटू 8 सी 1। ठीक है, और प्लस अब 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं क्योंकि टोटल कम्युनिटी 4 बंदों का है, तो इसे हम आगे नहीं जा सकते, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 12 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल इंटू 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल प्लस 12 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल, और ये हमारे साथ है 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल प्लस 12 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल, और ये हमारे साथ है 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 1 पिक्टोरियल इंटू 1 पिक्टोरियल, और प्लस 12 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल, तो ये सब बन जाएगा 12 पिक्टोरियल, लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 12 माइनस 1 है, ये 1 माइनस 1 पिक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 पिक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 11 पिक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल, और ये हमारे साथ 6 के बराबर है, प्लस 12 इंटू 11 इंटू 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, इंटू 8 मेरे से तो 8 इंटू 7 इंटू 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है, प्लस ये मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 9 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है, प्लस ये मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 पिक्टोरियल, और प्लस अब ये हमारा आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, ये मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला टर्म में इधर लिखता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल बराबर है 4 इंटू 3 इंटू 2 का, तो ये इधर 11 पिक्टोरियल 11 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 5 पिक्टोरियल 5 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 6 6 के साथ, इधर 12 और 56 रहता है, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 12 12 6 आर 72 और 12 5 आर 60 और प्लस 7 67, तो 672 इससे हमारे साथ आ जाएगा 672 प्लस इधर 10 पिक्टोरियल 10 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 6 पिक्टोरियल 6 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 6 जार 12 और इधर 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो 11 6 जार 66 और 4 7 जार 28, 8 6 जार 48 8 6 जार 48 52 2 6 are 12, 2 6 are 12, 13, तो 8, 4, 8, 1, इससे आ जाएगा 1, 8, 4, 8, और प्लस अब इधर हमारे साथ 9 पिक्टोरियल 9 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 6 1 are 6, 6 2 are 12, और इधर 7 पिक्टोरियल 7 पिक्टोरियल के साथ तो 8 आ जाएगा, तो 11 2 are 22, 22 are 10 are 220, 220 multiply by 8 8 0 0 0 8 2 0 16 8 2 0 16 17, तो 1 7 6 0, और आखिर ये है
8 15 8 15 के साथ खत्म हो जाएगा, 4 3 12 ये 12 के साथ, और 2 1 2 2 5 10 तो 9 5 45 मल्टीप्लाई बाई 11 11 5 55 11 4 44 प्लस 9 49 तो प्लस 4 95 तो इस सब को हम ऐड करते तो 505 8 13 प्लस 2 2 और 8 10 10 और 5 15 1 कैरी आ गया, 1 और 9 10 16 20 और 7 27 2 आ गया तो 2 6 8 16 प्लस 7 23 प्लस 4 27 2 कैरी आ गया तो 2 प्लस 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 तो 4 7 7 5 तो 5 नंबर में हमारे साथ हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 5 सॉल्व हो गया, सिक्स हमारे साथ है। ये जो हमने साल किया ये आप सेक्स था, आप फाइव साल करते हैं। ठीक है, जो पहले हमने साल किया ये असल में सेक्स नंबर था, और फाइव नंबर है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन फाइव कपल्स बी सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इफ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेट। पांच कपल है इस तरह सर्कुलर है, पांच कपल है, एक कपल इधर है, एक कपल इधर है, तीसरा इधर, चौथा इधर, और पांचवा एक राउंड टेबल पे है। ठीक है, तो राउंड कपल में बैठने का तरीका एन माइनस वन फैक्टोरियल से हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कितनी कपल्स हैं, पांच है, तो एन की जगह फाइव, फाइव माइनस वन फैक्टोरियल तो फोर फैक्टोरियल इससे आता है। और दूसरा हमारे साथ एक तो ये है कि ये हर कपल इकट्ठा होगा, मतलब ये कपल इधर होगा, ये कपल इधर, ये कपल, लेकिन ये कपल एक दूसरे के साथ चेंज कर सकता है 2 पावर 1 से, इस तरह 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 तो 2 पावर 5 वेज से ये कपल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज अपना जगह अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कितनी बनते हैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 तो 4 फैक्टोरियल हमारे साथ आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय इससे आता है 32 तो 4 3 12 12 2 24 मल्टीप्लाई बाय 32 तो 24 मल्टीप्लाई बाय 32 2 4 8 2 2 4 3 4 12 3 2 6 7 तो 8 6 7 768 तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सिक्स में सिक्स हमने साल कर दिया उसमें ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, सिक्स में ऑप्शन नंबर डी था जो पहले इस फाइव नंबर क्वेश्चन से पहले हमने साल कर दिया। ठीक है, नंबर सेवन the number of all possible matrices of order 3 cross 3 where each entry 0 and 1 है। 3 cross 3 matrix है, 3 cross 3 matrix हमारे साथ कितने बनते हैं 3 3 जा 9 और 2 digits है, 2 digits मतलब 2 है, 2 power 9 possibility इसमें मौजूद है। ठीक है, how number of all possible matrices तो 2 power 9 possible matrix है, तो 2 power 9 से हमारे साथ बनता है 2 multiply by 2 4 5 6 7 8 9 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 16 2 are 32 32 2 are 64 128 256 512 तो इसका 512 आंसर है जो हमारे साथ है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 8 हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड, 8 साइडेड में कितने डायगोनल डायगोनल, तो हमारे साथ इसका फार्मूला है एन सी टू माइनस एन, तो 8 साइड है तो एन हमारे साथ 8 है तो 8 सी टू माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है माइनस 8 तो 6 फैक्टोरियल 6 के साथ खत्म 2 1 जार 2 2 4 जार 8 तो 7 4 जार 28 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 20 तो 20 हमारे साथ करेक्ट आंसर है जो कि हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे साथ है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय 2
probability of A is equal to 1 by 2, probability of B is equal to 0, then probability of A condition B को मालूम करें, ठीक है? तो हमारे साथ probability of A condition B का फार्मूला है, probability of A intersection of B divided by probability of B, which is equal to probability of A intersection of B divided by probability of B हमारे साथ 0 के बराबर है, तो इसका जवाब infinity होगा, not defined. तो not defined ये हमारे साथ option number C है, ठीक है? और आखिरी, if A and B are events such that probability of A by B, A and condition B is equal to probability of B condition A, अगर ये बराबर हो, then probability of A will be equal to probability of B. तो हमारे साथ ये option D, ये option सही होगा, ठीक है? अगर A condition B probability B condition A के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि A और B की probability बराबर है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा जो पहला question था, जो MCQs type था, वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। If 2NC are, question number 2 हमारे साथ है, if 2NC are is equal to CR plus 2, ये question number 2 भी part 1 है, 2NC are plus 2, CR plus 2, तो R की value मालूम करें, ठीक है? Required ये है कि R की value मालूम कर ले, R मालूम करें, ठीक है? तो ये हमारे साथ बराबर है 2N factorial 2n factorial divided by 2n minus r factorial is equal to 2n factorial divided by 2n minus r, और r हमारे साथ है r plus 2 factorial into r factorial, तो r हमारे साथ है r plus 2 factorial, ठीक है? तो ये मेरे साथ आ जाएगा, अगर इसको मैं 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हमारे साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे साथ रह जाएगा 1 ओवर 2n माइनस r, ये 2n माइनस r फैक्टोरियल में लिख सकता हूं 2n माइनस r n 2 2n माइनस r माइनस 1 into 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2n माइनस, इसके साथ r फैक्टोरियल भी है, r फैक्टोरियल इसे cncr का फार्मूला 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल है, ठीक है? तो इधर हमारा था इसके साथ r फैक्टोरियल भी है इज इक्वल टू 1 ओवर ये मैं लिख सकता हूं 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये r प्लस 2 फैक्टोरियल में लिख सकता हूं r प्लस 2 इनटू r प्लस 1 into r factorial, तो r factorial से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लो और 2n minus r minus 2 factorial 2n minus r minus 2 factorial के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 1 over 2n minus r into 2n minus r minus 1 is equal to 1 over r plus 2 into r plus 1, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो r plus 2 into r plus 1 मेरे साथ आ जाएगा 2n minus r into 2n minus r minus 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो r square r plus r r plus 1 r multiply by 1 से r आता है और 2 multiply by r से 2r, तो r plus 2r से हमारे साथ 3r आता है और plus 2 2n multiply by 2n से हमारे साथ आता है 4n square
टू एन मल्टीप्लाई बाई माइनस आर से माइनस टू एन आर आता है, और टू एन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन से माइनस टू एन आता है, माइनस आर मल्टीप्लाई बाई टू एन से आता है माइनस टू एन आर, माइनस आर मल्टीप्लाई बाई माइनस आर से आता है प्लस आर स्क्वायर, और माइनस आर मल्टीप्लाई बाई माइनस वन से आता है प्लस आर। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ रह जाएगा थ्री आर और ये आर अगर इस साइड पे आ जाए तो मेरे साथ माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर माइनस टू इज इक्वल टू फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन आर, फोर एन स्क्वायर और माइनस टू एन आर, और माइनस टू एन आर से आता है माइनस फोर एन आर और माइनस टू एन। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूँ थ्री आर माइनस आर से आता है टू आर माइनस टू इज इक्वल टू फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन आर माइनस टू एन। ये मैं लिख सकता हूँ टू आर माइनस टू, इसमें टू कॉमन है तो टू एन टू आर माइनस वन इज इक्वल टू, इसमें भी टू कॉमन है तो टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन माइनस टू एन आर माइनस एन। तो ये मेरे साथ आ जाएगा बहुत सारे डिवाइड बाई टू, तो टू खत्म हो जाएगा, तो आर माइनस वन इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर माइनस माइनस टू एन आर माइनस एन माइनस एन। अब ये r r वाले टर्म में इस साइड पे ले आता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा r प्लस टू एन आर इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ये वन को इस साइड पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसमें r कॉमन है तो वन प्लस टू एन एन टू आर इज इक्वल टू, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस एन प्लस वन, तो वन प्लस टू एन एन टू आर इज इक्वल टू, इसमें टू कॉमन है टू एन तो एन माइनस वन रह जाएगा, प्लस वन कॉमन है तो एन माइनस वन रह जाएगा, तो वन प्लस टू एन या वन प्लस टू एन में लिख सकता हूँ टू एन प्लस वन सेम है, टू एन प्लस वन एन टू आर इज इक्वल टू, इसमें एन माइनस वन कॉमन है तो टू एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे डिवाइड बाई टू एन प्लस वन, तो आर की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी एन माइनस वन। तो क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट नंबर वन सॉल्व हो गया और आर की वैल्यू हमने मालूम की। अब हम पार्ट नंबर टू की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर टू में हमारे साथ आर की वैल्यू मालूम करना है। पार्ट नंबर टू एटीन सी आर, एटीन सी आर इज इक्वल टू 18CR plus 2, 18CR plus 2, find RC pipe मालूम कर ले। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो तो RC pipe मालूम कर ले, तो इससे हम R मालूम करेंगे, R की वैल्यू यहाँ पुट करके हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ S 18 सी आर बराबर है 18 सी आर प्लस टू का, तो हमारे साथ 18 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 18 माइनस आर पिक्टोरियल इन टू आर पिक्टोरियल इज इक्वल टू 18 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 18 माइनस आर प्लस टू पिक्टोरियल, आर की जगह आर प्लस टू है इन टू आर प्लस टू पिक्टोरियल, तो ये 18 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम 18 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये मेरे साथ ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 18 माइनस आर फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 18 माइनस आर इंटू 18 माइनस आर माइनस 1 इंटू 18 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल अपनी जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर ये मैं लिख सकता हूँ 18 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये r प्लस टू फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ r प्लस टू इंटू आर प्लस वन
into r factorial. तो 18 माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल और 18 माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 1 18 माइनस आर एन 18 माइनस वन सी गया था 17 माइनस आर इज इक्वल टू 1 आर प्लस टू एन टू आर प्लस वन. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर प्लस टू एन टू आर प्लस वन हमारे साथ बराबर होगा 18 माइनस आर एन टू 17 माइनस आर. तो आर मल्टीप्लाई बाय आर से आता है आर स्क्वायर आर प्लस टू आर प्लस वन. 18 मल्टीप्लाई बाय 17 से आता है 7 8 56 7 1 7 और 5 12 1 8 8 1 1 1 तो 6 306 माइनस 18 आर माइनस 17 आर प्लस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे साथ आता है 3 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 306 माइनस 35 आर. तो ये 35 आर इस साइड पे आ जाएगा तो 3 आर प्लस 35 आर इज इक्वल टू 306 माइनस 1. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 38 आर इज इक्वल टू 305 हमारे पास आ जाएगा 305 का. तो अब हमारे साथ आर बन जाएगा 305 डिवाइड बाय 38 अब इन दोनों को तो 305 डिवाइड बाय 38 ये मैं दोबारा थोड़ा चेक करता हूँ ये मेरे साथ आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो 18 माइनस आर और ये 17 माइनस आर आ जाएगा ये आर प्लस टू और आर प्लस वन तो आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन तो इससे हमारे साथ आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस वन इसे प्लस सर ये टू है ये टू वन सर ये टू है ठीक है. तो हमारे साथ ये हमारे साथ 306 माइनस 2 आ जाएगा तो ये 304 आ जाएगा ठीक है. तो ये 304 डिवाइड बाई 38 आ जाएगा 304 डिवाइड बाई 38 तो हमारे साथ ये बनता है 19 2 38 और 15 2 32 2 4 152 डिवाइड बाई 19 बन जाएगा. तो 152 डिवाइड बाई 19 बराबर है हमारे साथ 8 का ठीक है. तो आर हमारे साथ आ जाएगा 8 ये हमारे साथ बराबर है 8 का. अब हम आर सी फाइव मतलब 8C5 की सो आर सी फाइव इज इक्वल टू 8C5 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा 6 6 के साथ तो 7 आर सी फाइव हमारे साथ बराबर होगा या 8 सी फाइव 56 का तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 56 ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है
आर मालूम करें, एफ 56 पी आर प्लस 6 56 परम्यूटेशन आर प्लस 6 इज इक्वल रेशो 18 रेशो 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800 रेशो 1। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 56 माइनस आर प्लस 6 फैक्टोरियल और डिवाइड रेट मतलब डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 56 फैक्टोरियल ये 54 फैक्टोरियल ठीक है डिवाइड बाई 54 माइनस आर प्लस 3 फैक्टोरियल। इज इक्वल टू 30,800 डिवाइड बाई 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 56। इसको डबल डिवीजन है हमारे साथ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 56 माइनस आर माइनस 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 54 फैक्टोरियल इसके साथ भी फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 डिवाइड बाई 1। तो ये 54 फैक्टोरियल और ये 54 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। तो 56 मल्टीप्लाई बाई 55 से हमारे साथ आता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3080। अगर ये हमारे साथ आ जाएगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर हमारे साथ ही फैक्टोरियल इधर है ठीक है, इधर बाहर फैक्टोरियल है ठीक है। तो 51 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3080 और 51 माइनस आर फैक्टोरियल मिल सकता हो 51 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3080 और ये मिल सकता हो 51 माइनस 1 से 50 आ सकता है आता है ठीक है डिवाइड बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इधर हमारे साथ बन जाएगा 51 माइनस आर इधर मैंने ये छोड़ दिया 3080। अब 51 माइनस आर इंटू 51 माइनस आर माइनस इधर 51 माइनस आर देख दिया है 51 माइनस आर इंटू 51 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3080 इंटू 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800। तो 51 माइनस आर हमारे साथ आ जाएगा 30800 डिवाइड बाई 3080 जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3081 जा और 3010 जा 3080 आ जाएगा। तो 51 माइनस आर हमारे साथ 10 के बराबर हो जाएगा या 51 माइनस 10 हमारे साथ आर के बराबर हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू 41। तो आर की वैल्यू हमारे साथ 41 आ जाएगी और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है एंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन x4
y cube z 5 can be expressed without exponents. Exponent के बगैर हम कितनी तरीकों से लिख सकते हैं, तो without exponent हमारे साथ ये आएगा, without exponents ये हमारे साथ बन जाएगा x multiply by x multiply by x multiply by x, y की y multiply by y multiply by y, और z 5 z multiply by z multiply by z 5 times. ठीक है, तो x is repeated 3 times, y is repeated, x is repeated 4 times, x is repeated 3 times, our z is repeated 5 times, so number of possibilities is equal to total कितने हैं, 5 plus 3 8 12 pictorial divided by 4 pictorial into 3 pictorial into 5 pictorial. ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 12 pictorial में लिख सकता हूँ 12 multiplied by 11 10 9 8 7 6 into 5 pictorial divided by 4 pictorial मेरे साथ था 24 के बराबर है, 3 pictorial मेरे साथ 6 के बराबर है, और 5 pictorial अपनी जगह पे लिखता, तो 5 pictorial के साथ खत्म हो जाएगा, ये 6 इस 6 के साथ खत्म हो जाएगा, 12 ones are 12, 12 twos are 64, और 2 ones are 10, और 2 fours are 8, तो ये मेरे साथ आ जाएगी 11 tens are 110, और 110 multiplied by 9, तो 9 zeros are 0, और 0 और 11 nines are 99, और multiply by 28, तो 990 multiply by 28 से हमारे साथ आता है 8 zeros are 0, 8 nines are 72, 8 nines are 72, 79, 2 zeros are 0, 2 nines are 18, 2 nines are 18, 90, 0, 2, 17, 17, 2. तो हमारे साथ आता है 27720 number of possibilities. ठीक है, तो question number 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया. ठीक है, हमारे साथ इसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 27720 आ गया. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं. फाइव हमारे साथ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिक्स चिल्ड्रन सीटेड अराउंड टेबल इफ ए सर्टेन टू चिल्ड्रन रिफ्यूज टू सिक्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर और इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है, सिक्स चिल्ड्रन है, सिक्स चिल्ड्रन है. ठीक है, राउंड टेबल पे बैठते, सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी मालूम करते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है. ठीक है, तो सिक्स चिल्ड्रन सीटेड ऑन ए राउंड टेबल देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी n minus 1 pictorial which is equal to 6 children hai, to 6 minus 1 pictorial is equal to 5 pictorial aur hamare sath 5 pictorial 120 ke barabar hai, to total 120 possibility hai. Ab pehle hum part number 2 solve karte hain. Theek hai, part number 2 mein hai insist on sitting two children, insist on sitting two children, insist on sitting next to each other, next to each other. तो इधर मैं आंसर लिखता हूँ, if two children insist on sitting next to each other, then possibilities will be
two children will be considered as one, then two children will be considered as one, ठीक है, and two children repeat themselves by two pictorial ways. इसका मतलब ये है कि टोटल छः बच्चे हैं, वन एक इधर बैठा, एक इधर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब इसमें ये दो चिल्ड्रन हैं जो नेक्स्ट टू ईच अदर बैठते हैं, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये एग कंसिडर किया जाएगा. ये एग कंसिडर कितनी बन गई, वन टू थ्री फोर फाइव, तो एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन बन गए, फाइव माइनस वन पिक्टोरियल मल्टीप्लाई. लेकिन ये दो मतलब इस तरह चेंज हो सकता है कि ये इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे, तो टू पिक्टोरियल वैसे ही ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो हमारे साथ ये बन गया फोर पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू, तो फोर पिक्टोरियल 24 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू 48 है. तो हमारे साथ पार्ट नंबर टू साल हो गया, और पार्ट नंबर वन है कि टू चिल्ड्रन refused to sit next to each other. तो refuse जब insist करते हैं एक के साथ बैठे तो 48 है, जब reject refuse करते हैं इनकार करते हैं तो total minus of insist, ठीक है. तो हमारे साथ बनता है two children refused to sit next to each other. तो total से हम स्टूडेंट हमारे कितने हैं 120, उसे हम 48 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 7, 72 वेज है जिसमें वो रिड्यूस करते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ जाए, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, six people including Peser and Saima are to be sitting around a circular table. Find the probability that Peser and Saima are seated next to each other. Peser hai, Peser and Saima. Are to be seated around a circular table. Find the probability that Peser and Saima are seated next to each other. Total kitni bande hai? Six people hai. तो सिक्स पीपल, सबसे पहले हम सिंपल स्पेस मालूम करते हैं, तो सिक्स पीपल सिटिंग ऑन ए राउंड टेबल इन n-1 पिक्टोरियल वेज, ठीक है. तो n-1 पिक्टोरियल मतलब n-1 पिक्टोरियल इज इक्वल टू, सो सिक्स माइनस वन पिक्टोरियल which is equal to 5 pictorial, और ये 120 के बराबर है, ठीक है. तो टोटल सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे साथ कितनी आ गई, 120 आ गई. अब साइमा एंड फेसल इंसिस्ट टू सेट नेक्स्ट टू ईच अदर. तो जब ये दोनों एक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे साथ सिक्स माइनस वन हो जाएगा फाइव माइनस, इसकी जगह सिक्स माइनस वन पिक्टोरियल की जगह फाइव माइनस वन, क्योंकि दो हम एक कंसिडर करते हैं, क्योंकि साइमा और पेसल एक इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई साइमा और पेसल एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं, तो टू पिक्टोरियल वे से ये अपना पोजिशन चेंज करते हैं साइमा और पेसल, तो फाइव माइनस वन पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू पिक्टोरियल, तो ये मेरे साथ नंबर ऑफ इवेंट आ गया 4 pictorial multiply by 2, तो 4 pictorial 24 के बराबर है, multiply by 2 is equal to 48, तो probability हमारे साथ बराबर है number of events divided by number of sample space, तो number of event 48 है और number of sample space 120 है. तो हमारे साथ ही 12 4s are 48, 12 1s are 12 और 12 0, ठीक है, 4 by 10 से हमारे 2 by 5 आता है,
तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनता है 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, और नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। हमारे साथ प्रोबेबिलिटी अब ए हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी अब बी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी अब बी कंडीशन ए हमें गिवन है, और प्रोबेबिलिटी अब ए इंटरसेक्शन अब बी, और ए कंडीशन बी और ए यूनियन बी रिक्वायर्ड है। तो 1 हम सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी अब बी कंडीशन ए, ये हमारे साथ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अब बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए हमारे साथ 0.4 है, 0.4 ये रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 0.8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से हमारे साथ आता है 0.32। सॉल्यूशन नंबर 2, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी रिक्वायर्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमने मालूम किया 0.32, और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ 0.5 है, ठीक है, 0.32 डिवाइड बाय 0.5, तो 0.32 डिवाइड बाय 0.5 हमारे साथ बराबर है 0.64 का। ए और कंडीशन अब कंडीशन बी 0.64, और नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 रिक्वायर्ड ये है कि प्रोबेबिलिटी आप ए यूनियन बी मालूम कर ले। तो प्रोबेबिलिटी आप ए यूनियन बी हमारे साथ बराबर है प्रोबेबिलिटी आप ए ला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 0.8 है, बी हमारे साथ 0.5 है, और माइनस 0.32, तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.5 बन जाता है 0.8 और 0.5 बन जाता है 1.3 माइनस 0.32, इससे हमारे साथ आता है 0.98, ठीक है। तो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम हो गई, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स है। इससे 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 3 5 एंड नो डिजिट्स विद द डिजिट्स 2, 3, 0, 2, पहला डिजिट 3 होगा और दूसरा, हाउ नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, पहला डिजिट
थ्री होगा, दूसरा फाइव होगा और कोई रिपीटेशन नहीं होगा इसमें। एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। तो टोटल कितने डिजिट है? सिक्स डिजिट है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस। तो पहला प्लेस इसमें तो थ्री होगा, इसमें फाइव होगा, ये तो हमें गिवन है कि पहले दो पोजीशन पे थ्री और फाइव होगा। अब थर्ड प्लेस पे हमारे साथ इन टेन नंबर में कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब फोर्थ प्लेस में हमारे साथ ये थ्री और फाइव ऑलरेडी है, रिपीटेशन नहीं है, थ्री और फाइव खत्म होंगे तो बाकी आठ में से कोई भी आ सकता है। आठ भी खत्म हो गया, अब एक इधर आ गया तो बाकी सात है, तो सात में इधर कोई आ सकता है, ठीक है। थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस वन वे से, मतलब सिर्फ थ्री आ जाएगा, ये भी वन वे। थर्ड प्लेस हमारे साथ आठ तरीकों से हम इसको फेल कर सकते हैं, मतलब थ्री और फाइव के अलावा कोई भी आ सकता है। इधर फोर्थ प्लेस को हम सेवन वे से फेल कर सकते हैं, फिफ्थ प्लेस को सिक्स से, सिक्स वे, और सिक्स को, सिक्स प्लेस को फाइव वे से फेल कर सकते हैं। तो ये मतलब आ जाएगा वन जब वन से वन आता है तो एट मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव, तो एट सिक्स हज़ार फिफ्टी सिक्स, एट सेवन हज़ार फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई थर्टी, तो जीरो, थ्री सिक्स हज़ार एटीन, थ्री फाइव हज़ार फिफ्टीन और सिक्सटीन, तो वन सिक्स एट जीरो सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी वे से हम सिक्स डिजिट नंबर बना सकते हैं, अगर पहले और दूसरी पोजिशन के हमारे साथ थ्री और फाइव हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ जाते हैं। तो नाइन हमारे साथ है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स टू थ्री जीरो थ्री। क्वेश्चन नंबर नाइन, वन मिलियन, ग्रेटर देन वन मिलियन, ग्रेटर देन वन मिलियन, मतलब ये वन मिलियन हमारे साथ बराबर है टेन लाख का, वन टू थ्री फोर फाइव, टेन लाख है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। और नंबर कितने, नंबर क्या है, टू थ्री, टू थ्री जीरो, थ्री फोर, टू थ्री, ठीक है। हमारे साथ कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, मतलब हम नाइन वे से हम टू थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री फोर टू थ्री, टोटल हम इसकी कितने नंबर बना, टोटल हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि इससे हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, फिर हम वो नंबर मालूम करते हैं जिससे हमारे साथ टेन मिलियन से कम, वन मिलियन से कम आता है, ठीक है, और फिर टोटल से हम वो वन मिलियन से कम आने वाले नंबर माइनस करते हैं तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ये कितना है, सेवन नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबल डिजिट्स सेवन नंबर डिजिट्स, ठीक है। तो टोटल कितने सेवन है, तो सेवन फिर टू रियल, और इसमें टू दो दफा रिपीट हुआ है तो टू फिफ्ट टू रियल, और थ्री इसमें तीन दफा रिपीट हुआ है तो थ्री फिफ्ट टू रियल, ठीक है, और बाकी कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ई में लिख सकता हूँ सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फिफ्ट टू रियल, टू फिफ्ट टू रियल टू के बराबर है और थ्री फिफ्ट टू रियल में लिखता हूँ, इसके साथ कैंसिल, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, तो सेवन सिक्स जार फोर टू टू और फाइव टू जार टेन, तो इससे हमारे साथ आएगा 420, मतलब टोटल सेवन डिजिट नंबर हमारे साथ 420 है, ठीक है। अब हम लेस देन ऐसे नंबर मालूम करते हैं जो सेवन डिजिट्स हो लेकिन वन मिलियन से कम हो, ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, मतलब जीरो हमारे साथ फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, जीरो इस तरह नहीं आ सकता, टू थ्री थ्री फोर टू थ्री, नॉट लेस देन वन मिलियन, इस तरह नंबर हमारे साथ वन मिलियन से कम होगा। तो अब इसमें हमारे साथ कितने बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो नाउ वी फाइंड
Now we find total digits less than 1 million. तो अब ये जीरो अगर इस पहली पोजीशन पे आए तो ये हमारे साथ लेस इन 1 मिलियन होगा. तो ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, 2 दो दफा रिपीट हुआ है और 3 तीन दफा. तो ये मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 × 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल से साथ खत्म, 2 1 2 2 4 2 2 5 10 और 10 6 6. ठीक है, तो 60 ऐसे नंबर होंगे जो 1 मिलियन से कम होंगे. ठीक है, तो अब हम टोटल पॉसिबल डिजिट 7 नंबर डिजिट्स ग्रेटर देन 1 मिलियन इज इक्वल टू 420 - 60 which is equal to 0, 12 minus 6, 6 आता है और 3. हमारे साथ टोटल कितने आते हैं, 360. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ अब सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है. ए पार्टी ऑफ एन मेन इज टू बी सीटेड राउंड ए सर्कुलर टेबल. एन मेन अराउंड ए सर्कुलर टेबल बैठ गए. एन मेन अराउंड ए सर्कुलर टेबल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकुलर मेन सिक्स सिट टू टुगेदर. प्रोबेबिलिटी that two particular men sit together, ये मालूम कर ले. ठीक है, ठीक है. तो if सबसे पहले हम सैंपल स्पेस मालूम करते हैं. If n number of people sit around a circular table, then total number of possibilities sitting आर एन माइनस वन फैक्टोरियल. इट मीन्स दैट एस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये एस एन हमारे साथ आ गया. अब हमारे साथ टू पार्टिकुलर पर्सन, एफ टू पार्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर पर्सन सेट next to each other then number two persons will be two particular person will be considered as one. So they will sit with n minus 1 से एक कम हो जाएगा, तो n minus 2 pictorial ways and the two particular person arrange themselves by two pictorial ways. So total कितने बन गए, n minus 2 pictorial into 2 pictorial. तो 2 pictorial हमारे साथ 2 के बराबर है.
हमारे साथ n इवन आ गया, 2 इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s, तो n ऑफ a हमारे साथ है n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, और n ऑफ s हमारे साथ है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बन गई n माइनस 2 फैक्टोरियल n टू 2 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 n टू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n माइनस 2 टू n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ आ जाएगी 2 डिवाइड बाय n माइनस 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई। अब और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो 11 हमारे साथ है, गिव द फॉलोइंग स्पेन एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। हमारे साथ फोर कलर हैं, ये कलर हमारे साथ पिंक है, दूसरा हमारे साथ ग्रीन है, ये हमारे साथ रेड कलर है, और ये हमारे साथ ऑरेंज कलर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज मालूम कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज हमारे साथ 1/4 होगा, इससे हमारे साथ नंबर n ऑफ a, n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s। तो यहाँ से क्लियर है कि इसमें n ऑफ a हमारे साथ सिर्फ o ये है 1 है, और टोटल हमारे साथ 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो n ऑफ s हमारे साथ 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनती है 1/4। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर ग्रीन मालूम कर ले। तो हमारे साथ ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इसमें नहीं है, रेड और ग्रीन में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1/4 है, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 आता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नट रेड, तो ये मेरे साथ आती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस 1/4, तो इज इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड में मारता था 3/4 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक का ये हमारे साथ बनता है, पिंक हमारे साथ ये है, तो टोटल 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक हमारे साथ ये पिंक 1 है और टोटल 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक हमारे साथ 1/4 बनती है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीट हो गया, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया।